ब्राइटवेल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन क्लास में लेके आए हैं ERP 9 की वीडियो, और इस क्लास में आपको मैं आज बताने वाला हूँ यदि हम लोग सिंपल कंपनी क्रिएट करते हैं तो वो किस तरीके से ओपन होती है और कैसी दिखाई देती है, यदि टेलीवोल्ड पासवर्ड की करते हैं तो कैसी दिखाई देती है, किस तरीके से ओपन होती है, यदि सिक्योरिटी कंट्रोल करते हैं तो कैसी होती है, और यदि फुल सिक्योर करते हैं तो किस तरीके से दिखाई देती है और कैसे ओपन होती है। वीडियो बड़ी होने वाली है लेकिन आपको समझ में आएगा अच्छे से। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इससे पहले ये सिंपल छोटी छोटी वीडियो डाल चुका हूं लेकिन आज मैं आपको ये क्लियर करने के लिए कि क्या वास्तव में ये अलग अलग होती हैं, कैसे दिखाई देती हैं, उसके लिए मैं आपको सभी कंपनियां शॉर्ट में क्रिएट करूंगा और उसको दिखाऊंगा अपन कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग टेली स्टार्ट करने पर हम लोगों को यहाँ पर कंपनी क्रिएट पर जाना है। कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं मैं पहली वीडियो में डाल चुका हूँ, तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट टेली को स्टार्ट करके लिया है। जैसे मैं कंपनी क्रिएट पर क्लिक करता हूँ, और मैंने मान लेते कंपनी क्रिएट करते समय मैंने इसको ABC नाम से मान ले कंपनी को बनाया, और बाकी मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही डाल दिए हैं। इसमें मान लेते हैं कि मैंने एड्रेस डाल दिया है, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और मैंने यहाँ पे इंडिया ले लिया है। ये मैं ज़्यादा इसलिए नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ, स्टेट में मैंने राजस्थान ले लिया है, और ये पिन नंबर मैं 3011001, और इस तरीके से ये सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ उसमें क्या डालना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं बिना पासवर्ड की कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ये करते हुए, और मैं यहाँ पे टेली वॉल्ट सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी कंट्रोल भी नहीं लगा रहा हूँ, और मैंने इस तरीके से ABC नाम से एक कंपनी को क्रिएट किया है। देखते हैं कि इसको ओपन करने में कैसे होगा। जैसे ही मैंने इसको बनाया तुरंत ये ओपन हो चुकी है, लेकिन मैं इसको सर्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको कंपनी को सर्ट करना बताया, सर्ट करने के लिए Alt F3 दबाना है, और F3 दबाने के लिए सर्ट कंपनी पर जाना है, और सर्ट कंपनी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी कंपनी लिस्ट में होंगी वो ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे ABC को सर्ट करना था इसलिए ABC यहाँ पे थी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ABC कंपनी को, मान लेते हैं मुझे ABC कंपनी को ओपन करना है, तो मुझे सेलेक्ट कंपनी में जाना होगा। सेलेक्ट कंपनी में जाने के बाद अगर आप ABC यहाँ पे लिस्ट में नाम ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। ABC एक कंपनी है जो 10004 यानी कि 10004 अभी कंपनी बनी थी वो है। आप इसको क्लिक करेंगे, और जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाती है, और ओपन होने पर यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी में ABC आ गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ABC में मैंने कोई पासवर्ड नहीं दिया था इसलिए इसने मुझे पासवर्ड नहीं मांगा है, और ये नाम से शो होती है। ये फुली अनसिक्योर कंपनी है, ऐसा हम लोग टेली में कभी काम नहीं करते कि हम लोग उसमें पासवर्ड नहीं लगाएं। चलिए मैं इसको सर्ट कर देता हूँ Alt F3 के साथ में, मैंने यहाँ पे इसको सर्ट कर दिया है। मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ, और उसका नाम मैंने दिया है ABC2 नाम से, ठीक है। मैं ABC2 एक कंपनी बना रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे अलवर नाम डाल दिया है, और इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैं डालते हुए चलता हूँ। ये मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ पहले से, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। पिन नंबर और जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो मोबाइल नंबर आपको डालना है। ये सारी चीज़ें हम लोग पहले समझ चुके हैं इसलिए मैं ये सारी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे रहा। मैं आपको ABC2 नाम की कंपनी के अंदर यहाँ पे टेलीवोल्ट पासवर्ड लगाना बता रहा हूँ, और वो किस तरीके से ओपन होती है, कैसी दिखाई देती है सेलेक्ट कंपनी, वो सब समझाने वाला हूँ। मान लेते मैंने 123 एक पासवर्ड यहाँ पे टेलीवोल्ट में डाला, और उसको मैंने रिपीट में भी टेलीवोल्ट पासवर्ड को 123 डाला, और एंटर करते हुए मैंने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, राइट। अब जैसे ही हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं और कंपनी बन के तैयार होती है, तो आपसे पूछेगा टेलीवोल्ट पासवर्ड। मैं यहाँ पर टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं एस्केप बटन प्रेस कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये कंपनी बनी हुई है, आप इसको मान लेते सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने पर यदि आप इसको लिस्ट ऑफ कंपनीज में देखते हो तो आपको लिस्ट ऑफ कंपनी में आपको ABC नाम की तो कंपनी दिखाई देगी, लेकिन ABC2 नाम की यहाँ पर नहीं शो हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि टेलीवोल्ट पासवर्ड लगा दिया जाता है तो आपकी पहली सिक्योरिटी होती है कि कंपनी को नाम से नहीं स्टार से दिखाया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 10001, 10003, 10005 ऐसे टोटल तीन आपको कोड दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको पहचान बताता हूँ, जब भी आप टेलीवोल्ट पासवर्ड बनाओगे, कंपनी बनाओगे टेलीवोल्ट पासवर्ड वाली, तो आपको सबसे नीचे वाले जो स्टार वाली कंपनी है ये 10005 या जो भी आपकी सबसे लास्ट की स्टार वाली कंपनी होगी वो आपकी होगी। आपको 10005 यानी कि 10005 आपको लिख लेना है, ये कंपनी आपकी ABC2 नाम की कंपनी है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, तो मैंने जैसे डबल क्लिक किया इस कंपनी पे तो इसने बोला टेलीवोल्ट पासवर्ड बताओ, मैंने 123 नाम से एंटर किया, और
आपकी कंपनी देखो नेम ऑफ कंपनी में ABC2 नाम की कंपनी ओपन हो चुकी है। तो इस तरीके से हमने टेलीवोल्ट कंपनी बनाना सीखा, प्लस उसको सेलेक्ट में देखा कि वो किस नाम से दिखाई देती है, प्लस हमने उसमें टेलीवोल्ट पासवर्ड डालकर उसे ओपन करके देखा। तो हम इस कंपनी को सेलेक्ट कर दे सेट कर देते हैं। अब मैं दो टाइप की कंपनी बता चुका हूँ, बिना पासवर्ड वाली टेलीवोल्ट पासवर्ड। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड कंपनी। तो कैसे सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाएं, मैंने ABC3 नाम से एक कंपनी को बनाया। यहाँ पे मैंने इसको अलवर डाल दिया और एंटर एंटर करते हुए मैंने यहाँ पे इंडिया कंट्री लिया, मैंने राजस्थान राज्य को सेलेक्ट किया, पिन नंबर मैंने इसके डाल दिए हैं और मोबाइल नंबर जो भी हमारा होगा उसको हम लोग डालेंगे यहाँ पे। एंटर करते हुए मैंने फाइनेंशियल ईयर पहले समझा चुका है, मैं इस बार सिक्योरिटी कंट्रोल में टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, मैं यूज सिक्योरिटी कंट्रोल को यस कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे वाई प्रेस किया, एंटर किया और एंटर करने के बाद पूछा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या है। मान लेते हैं मैंने इसका नेम डाल दिया ब्राइट, नाम डाल दिया है BRIGHT। और मैंने यहाँ पे एंटर करते हुए पासवर्ड में मैंने पासवर्ड डाल दिया है और 456, फिर मैं इसमें रिपीट करना चाहता हूँ 456, और इसके बाद में एंटर। यहाँ पे एक मैसेज आता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इन एक्सेसिबल। कहने का मतलब यह है कि यदि आप सिक्योरिटी कंट्रोल का पासवर्ड भूल जाते हो तो आपको डेटा वापस नहीं लाया जा सकता है, आप इस डेटा को वापस नहीं ले सकते, आपका डेटा लॉस हो जाएगा। एंटर करते हुए हम इसको जो भी हम पासवर्ड देते हैं टेलीवोल्ट डालें या सिक्योरिटी कंट्रोल, उसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेते हैं, या जो भी मैसेज नो है नो रहेगा, यस है यस रहेगा। एंटर करते हुए आपको यहाँ पे चलना है और इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेना। इस तरीके से मैंने आपको तीसरे नंबर की कंपनी बना के बताई है ABC3, और उसमें मैं सिक्योरिटी कंट्रोल डाला है। बनाने के तुरंत बाद ये पूछता है नेम ऑफ यूज़र पासवर्ड, लेकिन मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करके बैक आ रहा हूँ। पहले मैं यहाँ से आपको सेलेक्ट कंपनी में जाके दिखाता हूँ कि वो किस तरीके से दिखाई देती है। देखिए हमें क्या है कि अभी अभी ABC3 नाम की एक कंपनी बनाई है। ABC3 नाम की कंपनी यहाँ पे 10,006 10,006 नाम कोड की एक कंपनी बनी है और ये बिल्कुल अभी अभी बनी है। मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ABC3 नाम से कंपनी दिखाई देगी। यहाँ पे नेम ऑफ यूज़र में आपको वो नेम डालना है जो आपने यूज़र नेम बनाया था। मैंने इसमें ब्राइट नाम दिया था और ब्राइट नाम देने के बाद मुझे इस पे यहाँ पे पासवर्ड डालना है। पासवर्ड मैंने 456 दिया था और 456 के बाद मैंने एंटर किया और सही सिक्योरिटी पासवर्ड और यूज़र डालने पर कंपनी ABC3 नेम ऑफ कंपनी में आ चुकी है और यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हमने एक कंपनी सीखी सिक्योरिटी कंट्रोल पासवर्ड लगाना, उसे सेलेक्ट में देखना कैसी दिखाई देती है और उसके बाद में हमें उसको ओपन करके देखना है। और अब मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मैं आपको लास्ट एक कंपनी बना के बता रहा हूँ जो फुली सिक्योर होती है और कैसी दिखाई देती है, किस तरीके से ओपन होती है। तो मैं एक लास्ट प्रकार की कंपनी बना रहा हूँ। इस सारी कंपनी में मैंने आपको अलग अलग से बना के बता रखी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये अंतर डिफरेंस समझाते हुए चल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ABC4 नाम से एक कंपनी बनाई और मैंने यहाँ पे अलवर एड्रेस डाला और मैंने यहाँ पे इंडिया में कंट्री के अंदर इंडिया लिया, स्टेट के अंदर राजस्थान लिया, पिन नंबर में 3010001 लिया एंड मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मोबाइल नंबर के बाद जो भी आपके पास वेबसाइट वगैरह जो होगी बता चुका हूँ ये डालें। इस बार मैं फुल सिक्योर कंपनी बना रहा हूँ, इसलिए मैं इस कंपनी में टेलीवोल्ट पासवर्ड भी लगा रहा हूँ। मैंने 123 नाम से एक एग्जाम्पल के रूप में एक पासवर्ड लगाया टेलीवोल्ट में, वही मैंने रिपीट किया टेलीवोल्ट पासवर्ड 123 नाम से। मैं सिक्योरिटी कंट्रोल को भी यस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे यस किया। यहाँ पे नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर मैं डाल रहा हूँ ब्राइट नाम से, BRIGHT ब्राइट वर्ल्ड कर देता हूँ मैं, WORLD, एंटर किया। यहाँ पे पासवर्ड में मैंने 456 डाल दिया, सेकंड मैंने रिपीट पासवर्ड में 456 को रिपीट कर दिया और यहाँ पे वही मैसेज आया फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेबल। तो यहाँ पे हम लोग इन पासवर्ड को नहीं भूलेंगे और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे करेंसी को, और ये हो गया एक्सेप्ट। अब देखते हैं क्या करते हैं। जैसे ही आपकी कंपनी क्रिएट होती है आपको टेलीवोल्ट पासवर्ड के लिए बोलती है, आपको टेलीवोल्ट पासवर्ड नहीं डालना है और आपको बैक जाना है एस्केप की प्रेस करते हुए।
यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी में जाना है और देखना है कि ये कैसे दिखाई देती है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने बनाया था ABC4 नाम से। ABC और ABC3 नाम की कंपनी ब्राइट वर्ल्ड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और BWCI लिमिटेड आपको यहाँ दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ पे ABC4 नाम की कंपनी नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि टेलीवोल्ट पासवर्ड कंपनी यदि बनती है तो आपको यहाँ पे ये सबसे लास्ट वाली, जैसे ही बनाओगे उसके जस्ट बाद यदि सेलेक्ट कंपनी में चेक करते हो तो आपको सबसे लास्ट स्टार वाली कंपनी यहाँ पे दिखाई देगी। और स्टार वाली कंपनी का जो कोड आ रहा है वो 10007 10007 आ रहा है। इस पर अगर डबल क्लिक करते हो तो आपको पूछेगा टेलीवोल्ट पासवर्ड क्या है। मैंने 123 दिया था, मैं 123 देता हूँ यहाँ पे। और 123 देने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो कंपनी ABC4 है। इसका मतलब मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं सही कंपनी को ओपन कर रहा हूँ। ABC4 के अंदर नेम ऑफ यूज़र यहाँ पे डाला पूछा गया है, मैंने यहाँ पे ब्राइट नाम से दिया और मैंने एंटर किया। मैंने पासवर्ड 456 किया, एंटर किया, इसने ओपन नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेम ऑफ यूज़र मैंने गलत डाला था। अब मैं इसको नेम ऑफ यूज़र में ब्राइट वर्ल्ड देता हूँ, BWORLD, और मैं यहाँ पे एंटर करके 456 पासवर्ड सही देता हूँ। तो इस तरीके से आपकी कंपनी ABC4 नाम से यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और इस तरीके से हमने आज इस वीडियो में, ये थोड़ी वीडियो बड़ी है लेकिन इसमें मैंने आपको बिना पासवर्ड की कंपनी बनाना, उसको ओपन करना, सेट करना, सेलेक्ट करना, उसके बाद मैंने इसी वीडियो के अंदर आपको टेलीवोल्ट पासवर्ड, सिक्योरिटी कंट्रोल, फुल सिक्योर, सभी प्रकार कंपनियों को बना के बताया है, उनको सेलेक्ट करके बताया है, शट करके बताया है, और सब में अंतर बताया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अभी अभी ABC4 नाम की कंपनी बनाई है, फुली सिक्योर कंपनी बनाई है, इसी कंपनी की तरह आपको अपनी कंपनी बनानी है ताकि आप इसको फुल सिक्योर कर सको, कोई बैकअप ना ले सके आपकी कंपनी का, कोई ओपन नहीं कर सके, कोई टेली के एंट्रियों को चेंज नहीं कर सके। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। यदि आप नए यूजर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको टेली की 3 मंथ वाली टेली, 6 मंथ वाली टेली, एडवांस टेली, अकाउंटिंग सब ही ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूं। और आप सारी मेरी क्लास को पर डे ले सकते हो, 365 दिन के अंदर 365 वीडियो आने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।